गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास इवेपोरेशन पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। अभी क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस विच इज यूज टू सेपरेट अ प्योर सैम्पल फ्रॉम इम्प्योर मिक्सचर। जब कोई एक मिक्सचर आता है जिसमें ढेर सारे इम्प्योरिटीज हों, उसमें से किसी प्योर कंपोनेंट को बाहर निकालना हो, उसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आइए, हेडिंग तो आपने बना लिया होगा, पहले लिखते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। सो ये है हमारा डेफिनेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक मेरे पास हॉट मिक्सचर होगा जिसको हम कूल करते हैं ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स, और वहां से हमें क्या मिलता है? क्रिस्टल्स मिलते हैं। क्रिस्टल्स का मतलब होता है सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो भी कैसे? अपने बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप में, यानी कि अपने ही शेप में मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। एक बार फिर से, इट इज द प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी यूज टू कूल डाउन अ हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन फ्रॉम विच वी वॉन्ट टू सेपरेट आवर कंपोनेंट इन अ क्रिस्टल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज डन एज फॉलो। आपने इतना लिख लिया होगा। अब उसके बाद इसका प्रोसेस, उसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे प्रोसेस, उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, द इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। पहले क्या करते हैं हम, जो इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस होता है उसको हम कम से कम पानी में घोलते हैं और कोशिश करते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाए। जब तक नहीं बनता रहेगा तब तक आप पानी मिलाते रहें, लेकिन हाँ कई बार क्या होता है लोग ज़्यादा पानी मिला देते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते रहना है। सेकेंड, द सॉल्यूशन इज फिल्टर टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। उसके बाद आप फिल्टर पेपर से इसको छान लें ताकि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर ही रह जाए रेसिड्यू के फॉर्म में, और आपको क्या मिल जाए? प्योर फिल्ट्रेट। नेक्स्ट वन इज द क्लियर सॉल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। इज हीटेड जेंटली ऑन अ वाटर बाथ। इसको वाटर बाथ पे हम हीट करते हैं। वाटर बाथ का मतलब लास्ट क्लास सिखाए थे हम, पहले बर्नर के ऊपर एक बीकर, बीकर में पानी आधा, फिर वो जब आप हीट करेंगे तो पहले क्या होगा? बीकर का पानी हीट होगा, वो भाप बनेगा, भाप के ऊपर यानी कि उस बीकर के ऊपर आप चाइना डिश में अपने सैंपल को रखते हैं। टिल अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, और आप ये तब तक करें जब तक कि आपको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। दिस कैन बी टेस्टेड बाई डीपिंग अ ग्लास रॉड इन अ हॉट सोल्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसको चेक कैसे कर सकते हैं आप? ग्लास का रॉड होता है हमारे यहाँ लैब में, आप उसको बार बार डाल के चेक कर सकते हैं। वेन स्मॉल क्रिस्टल्स फॉर्म ऑन द ग्लास रॉड, जब आप ग्लास रॉड बार बार डाल के निकालेंगे और आप देखेंगे कि उस रॉड के ऊपर कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल्स शेप में दिख रहे हैं आपको सॉलिड, तब आप समझ जाएंगे कि अब आपको सॉल्यूशन क्या हो चुका है? सैचुरेटेड हो चुका है। देन स्टॉप हीटिंग। फिर आप क्या करेंगे? अलाउ द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू कूल डाउन स्लोली। अब ऐसा कि नहीं कि आप उसको ले जाके जल्दी जल्दी में फ्रिज के अंदर रख दिए, ऐसा नहीं करना है। आप उसको लैब में बस उतार के एक जगह कहीं अच्छे से रख दिए, वो धीरे धीरे अपने आप ठंडा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड्स आर फॉर्म। उसके बाद जो प्योर सॉलिड्स हैं जितने भी होंगे सबके धीरे धीरे क्रिस्टल्स बन जाएंगे, एंड इम्प्योरिटीज रिमेन्स डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन। जो प्योर था वो तो क्रिस्टल बन के नीचे बैठ जाएगा, और जो इम्प्योर पार्टिकल्स अभी आ गए थे, रह गए थे, वो अभी भी सॉल्यूशन में ही मिक्स रहेगा। उसके बाद सेपरेट द क्रिस्टल्स ऑफ द प्योर सॉलिड बाय फिल्ट्रेशन एंड ड्राई। उसके बाद आप फिल्ट्रेशन मेथड यूज करके फिल्टर पेपर से फिर आप उसको छान लें, और जो इस बार आपको ऊपर रेसिड्यू मिलेगा वही आपका प्योर सैंपल होगा। क्लियर है? हाँ। पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, पहले आप अपने सब्सटेंस को कम से कम पानी में मिक्स करिए, एक सॉल्यूशन बनाइए, फिर उसको बाथटब की हेल्प से हीट करिए। उसको तब तक आप हीट करते रहें जब तक कि आपको ना लगे कि सैचुरेटेड या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया। पता कैसे चलेगा? ग्लास रॉड को बार बार डाल के चेक करते रहें। अगर ग्लास रॉड पे सॉलिड पार्टिकल्स दिख जाए इसका मतलब अब हमें हीट इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसको उतार दे, रहने दे, ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद जितने भी उसमें प्योर पार्टिकल्स हैं वो सब सॉलिड फॉर्म में नीचे आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और जितने भी इम्प्योरिटीज है अभी भी वो मिक्स रहेंगे।
फिर आप फिल्टर पेपर की हेल्प से छान लें, जो ऊपर बचेगा वो सब आपका रेसिड्यू है और वही रेसिड्यू आपका प्योर क्रिस्टल फॉर्म में आपको मिलता है। यह से कंप्लीट प्रोसेस आप लिख लेंगे सब। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, उस एग्जांपल को हम समझते हैं। देखिए आप नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे, ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। हम किसी भी एक इम्प्योर सैंपल जिसमें कि कॉपर सल्फेट और भी बहुत कुछ होंगी, उसमें से अगर हमें सिर्फ कॉपर सल्फेट को बाहर करना है तो हम कैसे करेंगे? कॉपर सल्फेट को हम और क्या कहते हैं? ब्लू वाइट्रियोल। इम्प्योर कॉपर सल्फेट कैन बी प्योरीफाइड बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट, दिस इज डन एज फॉलो। इसको आपको लिखना नहीं है, बस आप इसको समझ लें हेडिंग डाल के। उसके बाद आप सिर्फ आप ये लिखेंगे, फर्स्ट टेक अबाउट 10 ग्राम्स ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट एंड डिजॉल्व इट इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन द चाइना डिश टू मेक अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। चाइना डिश ले लें जो प्लेट होती है, उसमें 10 ग्राम के आसपास आप क्या ले लें? इम्प्योर कॉपर सल्फेट का सैंपल जो कि इम्प्योर है, प्योर नहीं है, उसमें पानी कम से कम पानी मिला के उसको सॉल्यूशन बना लें। फिर आप क्या करें, उसको फिल द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। फिर उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज अगर रह गई हैं, थोड़ी ज़्यादा हैं, बड़ी हैं, दिख रही हैं, आप उसको फिल्टर पेपर से छान लें। अब जो आपको फिल्ट्रेट मिलेगा वो प्योर नहीं है, उसके अंदर भी अभी इम्प्योरिटीज बाकी हैं। फिर आप उस क्या करें, उसे बाथ टब पे ले जाके हीट करेंगे। डायग्राम आपके सामने है, आप डायग्राम भी बना लेंगे, राइट? तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, देन यू नीड टू हीट द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जेंटली। उसके बाद आप धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को गर्म करें विद द हेल्प ऑफ वाटर बाथ, टू इवापोरेट वाटर एंड ऑब्टेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये तब तक करते रहें जब तक कि पानी इवापोरेट ना हो और आपको क्रिस्टल्स ना मिलने लगे। जैसे आपको क्रिस्टल्स मिलने लगे, आप तुरंत उसको रोक दें और उसको ठंडा होने दें। अलाउ द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट टू कूल डाउन स्लोली। फिर उसको धीरे धीरे ठंडा होने दें। फिर एक क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट्स आर फॉर्म। उसके बाद क्या होगा, प्योर कॉपर सल्फेट्स के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। फिर आप फिल्टर पेपर से उसको छान लें, ठीक है? उससे क्या होगा, आपको प्योर कॉपर सल्फेट्स अलग से मिल जाएंगे। सेपरेट द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन एंड ड्राई। फिर उसके बाद आप फिल्ट्रेशन करें यानी फिल्टर पेपर का यूज करके उसको छान लें, और क्योंकि वो गीला होगा तब उसको सुखा लें, और इस तरह से आपको प्योर कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। आगे दिया था, प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज टू प्यूरीफाई अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉलिड्स। ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है ना, ये कई सारे वाटर सोल्यूबल यानी कि ऐसे सॉलिड्स जो कि पानी में आराम से घुल जाते हैं, उनको अलग करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से लिखेंगे नोट पॉइंट्स में, द कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस हैविंग मेनी प्योरिटीज इन इट। सो कॉमन सॉल्ट इज प्यूरीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, अभी तो आपने पढ़ा था इवापोरेशन, लेकिन आप इवापोरेशन के साथ साथ अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एन इम्प्योर सैंपल ऑफ एलम इज ऑल्सो प्योरीफाइड बाय द क्रिस्टलाइजेशन। ये भी हमारा किससे होता था, इवापोरेशन से। ये भी आप चाहें तो इसे भी आप क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, क्रिस्टलाइजेशन इज अ बेटर टेक्निक देन इवापोरेशन टू ड्राइनेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब ये हम लिखने जा रहे हैं कि आखिर क्रिस्टलाइजेशन क्यों आया। अगर मेरा काम सारा इवापोरेशन से हो जाता था, फिर मुझे क्रिस्टलाइजेशन की ज़रूरत क्या पड़ी, हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो क्रिस्टलाइजेशन एक बेटर टेक्निक है। कैसे है, इसके दो ऑप्शंस हैं, हम दोनों डिस्कस करते हैं। पहला, सम सॉलिड्स लाइक शुगर डिकम्पोज और गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस ड्यूरिंग इवापोरेशन। जब इवापोरेट करते हैं, हीट करते हैं, तो कई बार जैसे सॉलिड में शुगर हो गया या फिर डाई हो गया, सब जब आप हीट करते हैं, जरूरत से ज़्यादा हीट होने के बाद ये क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इनको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं, क्योंकि उसमें ओवर हीटिंग नहीं होती और डिस्ट्रक्शन नहीं होता। यानी कि जो मेरा सॉलिड पार्टिकल है वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, वो बच जाएगा। वहीं दूसरा, द सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज डू नॉट गेट रिमूव्ड। अगर हम सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज की बात करें, यानी कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज जो कि आराम से घुल जाती हैं, दे डू नॉट गेट रिमूव्ड इन द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। वो इवापोरेशन के प्रोसेस से हम उनको अलग अलग नहीं कर पाते थे, बट सच इम्प्योरिटीज गेट रिमूव्ड इन क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन उन इम्प्योरिटीज को भी हम क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से रिमूव कर पाते हैं। इट मीन्स साफ शब्दों में कहें तो कह सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन इज मोर बेटर एज कम्पेयर टू द
इवापोरेशन। तो आज इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।